देखिए यहाँ के एसपी कलेक्टर उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। ओरएस में ड्यूटी नहीं लगती थी, उसमें बहुत कमाई है और थाने बधे हुए हैं, एसपी का पैसा बधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बधा हुआ है, आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष, इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, संरक्षण दे रही हैं। और एसपी को मैं आपको, आप मेरा भरोसा करिए, 25 लाख रुपये महीना मिलता है शराब के धंधे से, कोरेस का लक्ष्य मिलता है और 34-2 बनाने का लक्ष्य मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर दो की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस के आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेस की स्थिति है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से ज़मीन लिखवा रहे हैं, शहर की कौड़ियों के दाम ज़मीनें लूटी जा रही हैं। ये किस मुंह से बोल पाएंगे, इन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे जो नीचे ज़मीन से पैसे लेकर सर तक गलत कामों में लिप्त हैं, ये इन्हें बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूट केस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपये उठा के ले जाते हैं। तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही, और रीवा एक नंबर है पूरे देश में नशे का अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेक्स दारू के धंधों में लिप्त हैं, इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज ये पूरी टीम, हाँ, राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करते हैं। हाँ, नेता और मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर, हाँ, कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है। हाँ हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि 4-5 साल पहले, हाँ, मुझे मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज़, मुझे अंदर की चीज़ें, मैं इसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है, मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? अधिकारियों के पास 4 बजे ये थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख अधिकारियों के प्रति जनता, और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं हर कॉन्ट्रेक्टर के साथ, जैसे सबरिया में लगा हुआ है, चोरहटा में लगा हुआ है, ये अलग है, और नंबर दो की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है उसका पैसा अलग है, इसमें तो इतना पैसा है कि दोनों हाथ से बटोर रहा है। मुख्यमंत्री रीवा रहे, उनको गिरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब वे पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे? मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी, यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात यह है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है कि मुझे ये स्वीकार है। भाई उसका वोट भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं, एक तरफ जनता रो भी रही। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है? हाँ, तो क्यों, जो ये तो इनसे हम उम्मीद नहीं करते, बाकी हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। वो पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर कोरस पे वैन नहीं लगा, अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुई, तो हम 13 तारीख को रीवा बंद करेंगे। 13 जुलाई को रीवा बंद का आह्वान हमने किया है और इसके पीछे साफ उद्देश्य है। सत्ता पक्ष के लोगों से भी, उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके रहते ही मेडिसिन का नशा, तो उन्हें इस बात की खुद ही चिंता करनी चाहिए कि हम सब जो भी चूनियर हैं उनसे, उनका छोटा भाई है या उनके बच्चे के रूप में है या उनकी बिटिया के रूप में है, तो हर परिवार कहीं ना कहीं आज की दुखी है। बस्तियों में आप जाइए, अवैध बिक्री का कोई सिलसिला ही नहीं, हर दूसरा आदमी वहाँ अवैध बिक्री कर रहा है, कोई कोरेक्स बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई कोरेक्स शराब बेच रहा है, और शराब क्या आबकारी विभाग के जो लोग हैं फर्जी डीडी बनवा के जो टेंडर दिया है उसमें आज तक कार्रवाई रीवा के अंदर कहाँ हुई? बकायदा लिखा लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? कोई अधिकारी जेल गया क्या? जबकि अधिकारी को तो जेल जाना चाहिए।
चाहे यहाँ से लेके आयुक्त तक जिसको भी जाना चाहिए, जो भी सम्मिलित हो उसको तो जेल जाना चाहिए ना। उनको छूट दे रखे, वो पदस्थ है आज की तारीख में। शराब की डीडी के मामले में कहाँ, चाहे कटनी से लेके रीवा तक में कौन जेल गया अधिकारी? कोशिश हाफ टाइम के 2 बजे तक का रहता है, 2 बजे तक का प्रयास। अल्टीमेटम दिया हूँ, सुधार करेंगे तो हम अपना जो हमारा 13 तारीख का वो हम विड्रावल भी लेंगे। लेकिन इनके इनके वर्किंग हमको दिखनी चाहिए, और लोकतंत्र के पहरी है, आप दिखाएंगे इनकी वर्किंग बढ़ी कि घटी?